एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भी मेरे को अभी जाना पड़ रहा है हजारीबाग एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि एडमिशन डेट 20 तक था और मतलब पार हो गया, तो फिर से मतलब डेट निकला अब 25 तक है। तो अब रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए सोच रही जल्दी से करवा के आ जाती हूँ। तो इसलिए अचानक से जाने का प्लान बना, तो लेट भी हो रहा है, जल्दी जाना है, फिर 2 बजे से काउंटर बंद हो जाता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। मेरे पति मतलब अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, तो लाइट वगैरह बंद कर ली और घर में अभी कोई नहीं है, तो इसीलिए लॉक वगैरह भी करके जाना पड़ेगा। मम्मी भी नहीं है, तो चलिए बाद में आप लोग से मिलते हैं, अभी लेट हो रहा है, जल्दी जाते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरा एडमिशन हो गया, बहुत ही मुश्किल के बाद। इतना मतलब दिमाग ख़राब किया उन लोग, मतलब सेमेस्टर 1 का रिजल्ट दे ही नहीं रहा था, वहाँ पर भरना था और मुझे पता नहीं था और दे ही नहीं रहा था, बहुत दिमाग ख़राब किया। फिर हो गया, फिर उसके बाद भरी और हम लोग मतलब क्या बोले हजारीबाग आए, उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज में गए, मतलब फॉर्म जीजा जी लेके और भर दिए थे, तो उस फॉर्म को उनका रूम से जाके लाए। उसके बाद फिर थोड़ा झंझट हुआ, बट कोई नहीं, हो गया एडमिशन। दूर की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से करवा के वहाँ मतलब हो जाता है, उधर मेरे घर तरफ तो करवा ही लेती, लेकिन तो अभी हम लोग आए हैं झील और ऐसे थोड़े से बैठे हैं, और मेरे हस्बैंड जी मुंह धोने के लिए गए वहाँ क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, फेस धोने का मन कर रहा था, तो फेस धोने गए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। मुदो क्या आ गया भाई, तुम नहीं पहुंचने देंगे, जल्दी दो ना, बहुत हरामी है, मुंह धो क्या के रुमाल में लाएगा नहीं है, साड़ी में पहुंचेगा, सब पब्लिक देख रहा हमने गांधी जी चुपचाप बैठा ले, वो देखो ना, तू कौन से करेंगे, वो अच्छा आदमी थे इसलिए चुपचाप रहते हैं, इसलिए मर गए अच्छा काम करते करते मरे, अपनों ने मारी थी गोली बड़का। अरे ले, अगर साथी है कहानी लिखना चाहिए तब तुमको, अरे इसका साथी है मारा है गोली तो। हाँ तो इसीलिए बोलते हैं किसी अपने में भरोसा नहीं करना चाहिए, हाँ इसीलिए तुम नहीं करते है तुम पे, मत करो, चलो हो गया, तो कहाँ करते हैं, तो हम अपना जाते थे खाएंगे, मोहम्मद थोड़ी खाना है यहाँ, कहाँ है ये गंदा देता है, बड़का यही वाला अच्छा लगता है, यहाँ वाला इतना मजा आता है खाने में ना, चल ना तो मोमोज, साला सारा मोमोज फेल है, एक हजारीबाग में यही चीज अच्छा है, बाकी सब खराब है, सब खराब है, कुछ अच्छा नहीं है, कॉलेज के मामले में तो बिल्कुल खराब है, इतना मतलब घुमाता है, इतना घुमाता है, अब पता नहीं सारा कॉलेज हजारीबाग में जितना है सारा में घुमाता है या बस मेरा ही कॉलेज में बहुत घुमाता है, ऐसा लगता है जाके कंप्लेन कर दे पूरा, मतलब डरे ना गई, डरे हम जाके कर देते, हम डर रहा लिए का, फिर वो बोले तो कि क्लास का ही नहीं करती है, इसीलिए फिर हम नहीं गए, नहीं करते नहीं, प्रॉब्लम हो गया, पहले आते थे देख लीजिए अटेंडेंस, पहले भी नहीं आते, झूठवे के ना झूठवे के बोलना है, वो देख खोजने जाएगा कब, कैसे पागला है ले तुम, बहुत दिमाग खराब करता है, मार के उड़ा दे, चलो मोमोज खाएंगे, बस मोमोज ही खाएंगे क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ खा नहीं सकती हूँ, अल्बर्ट सलबर्ट चीज, मुस्कुराइए आप हजारीबाग में, चलो उधर है वो तो सब मार भी गया, फूल लगा हुआ मारेगा ना, यहाँ भी मर जाता है फूल का आ ना थोड़ा सा फोटो क्लिक करवाएंगे थंबनेल में, क्या लगा है खराब कर देंगे। अभी लगा रहे हैं हम लोग झील का चक्कर और जा रहे हैं मोमोज के पास, मोमोज खाएंगे उसके बाद जाएंगे खाएंगे।
इतना हम सोचे थे आज रील से बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ भी नहीं बना पाए। दिस इज झील। देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, ये साला पंजाब नेशनल बैंक का लिख दिया। हमारा मोमोज बन रहा है फ्राई वाला, हजारी बार हमारा फ्राई मोमोज। अच्छा थोड़ा सा खाए थे क्या? नियम है तुम्हारा? नियम गाइस, ये है चना वाला मूरी, जिसमें मतलब चना और बूंजा मिला के बनाता है, चटपटा सा मजा आता है खाने में। और ये गए हैं पानी लाने के लिए, पीने के लिए, और मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, इसको खाऊंगी फिर जाऊंगी, मतलब खाते खाते जाऊंगी घर। हम खाते खाते ही चले जाएंगे, तुम चलाना ठीक। खाते खाते जाने का मजा ही कुछ और है, और मेरा तबीयत और खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। जल्दी और कुछ खाएंगे? क्या खाएंगे? आगे रसगुल्ला मिलता है रे। हमको रसगुल्ला नहीं खाना, दो पानी नहीं पियेंगे हम, डाल रहे तो नहीं दिखता है। ये होटल आप लोग तो देखे नहीं होंगे। सो गाइस, सब अब लोग करने जा रहे हैं हजारीबाग से एग्जिट, और ये ट्रक वाला आके भाग दिया। आई लव हजारीबाग को, हमको देखने नहीं दिया, लेकिन भी हम देख लेंगे फिर से, देख लिए ये। हम लोग एग्जिट कर गए, अब जा रहे घर। मतलब मैं कल ब्लॉग बना रही थी, कल मैं हजारीबाग जा रही थी इसीलिए, मतलब आधा बनाई और ब्लॉग का एंड नहीं कर पाए, तो वही ब्लॉग को मैं अभी कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मतलब कुछ घटना हो गया था मेरे साथ, इसलिए मतलब मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। तो मैं आप लोग को यही बताने के लिए ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ, और कल मतलब क्या ही बोलूँ, कल ऐसा हो गया था कि मैं ब्लॉग को मतलब एंड नहीं कर सकती, इसलिए कल नहीं की, और सोची कि जब थोड़ा ठीक लगेगा तो करूँगी। आप लोग को मैं बताई नहीं थी कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मतलब पता था आप लोग को, लेकिन क्या हुआ था वो नहीं पता था। तो मुझे मतलब टाइफाइड हो गया था, तो उसका मतलब दवा सुई जो चलता है वो चला कंटिन्यू, जितना दिन चलना था वो चला, वो आज सुबह ही ख़त्म हुआ है मेरा सुई। और मेरा एडमिशन हो रहा था कॉलेज में, तो मेरे को जाना पड़ा, मतलब मुझे मतलब 20 तारीख तक डेट था, और मैं मुझे नहीं पता चल पाया, जिस वजह से एडमिशन का डेट 20 ही तक था, लेकिन फिर डेट आगे बढ़ा तो 25 तक हुआ। तो मैं सोची कि फिर मतलब डेट मतलब इधर उधर पार हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं सोची अब रिस्क नहीं लूँगी, सो चलो जाके और एडमिशन करवा के और आते हैं। तो मेरा तबीयत भी ख़राब था, फिर भी मैं चली गई एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। तो हम लोग एडमिशन करवाने के लिए गए, उसके बाद गए अच्छे से, एडमिशन वगैरह सारा कुछ हो गया, उसका तो ब्लॉग भी मतलब आगे पीछे आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद झील वगैरह भी घूमे, आराम से घूमे फिरे। उसके बाद जब हम लोग घर आ रहे थे, तो छोटा सा हम लोग के साथ एक्सीडेंट हो गया था, मतलब मेरे हस्बैंड चला रहे थे, और कभी मैं साड़ी पहन के नहीं जाती हूँ, सूट पहन के जाती हूँ, कॉलेज वगैरह का काम रहता है, तो पता नहीं कल साड़ी पहन के चली गई, और साड़ी पहन के चली गई तो मतलब एक साइड होके ऐसे ही बैठी थी स्कूटी में, और
बैठ के आ रही थी, उसके बाद एक ऑटो था उससे मतलब स्कूटी का पीछे वाला, मतलब वो ऑटो जो था वो रॉन्ग साइड पे आ रहा था, तो रॉन्ग साइड पे आ रहा था। उसके बाद जैसे ये रोड है और ये मतलब 4 लाइन, तो इधर उसको जाना था उस वाले रोड पे, तो ये इस वाले रोड पे ही आ रहा था, तो ये साइड से आ रहा था, साइड से आ रहा था। उसके बाद हम लोग भी साइड साइड से जा रहे थे, तो जब हम लोग जा रहे थे तो ये आगे ऑटो आगे आके और साइड से आ रहा था, वो बीच में आ गया, जिससे मतलब हम लोग का स्कूटी टच हो गया, स्कूटी टच हुआ। उसके बाद फिर मेरा पैर टच हो गया, पैर इधर करके मैं बैठी हुई थी इसलिए पैर टच हो गया। उसके बाद फिर कैसे गिरी क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे मेरा पैर टच हुआ वैसे ही मतलब मुझे कुछ ही भी याद नहीं, मतलब हो सकता है डर से मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या कि वो कुछ भी याद नहीं है। फिर जब मेरे को उठा के मतलब वहाँ पे सामने रेस्टोरेंट था, तो वहाँ के भी एक मतलब दो हस्बैंड वाइफ थे, तो वो लोग फिर आए दौड़ के, वही लोग शायद मेरे पति, और वो लोग उठा के जब चेयर में बैठाए, तब उसके बाद से मेरे को याद है क्या क्या हुआ, बाकी कैसे गिरी कैसे क्या क्या हुआ वो मेरे को याद नहीं, ऐसे गिरी मतलब पीछे से गिरी आगे से गिरी वो सब कुछ भी याद नहीं है। और मेरे पति तो आगे चला रहे थे, तो वो उनको भी नहीं पता मैं मतलब कैसे गिरी, बस मेरा माथा यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पास और यहाँ पास, और थोड़ा सा यहाँ पे लगा है, और दोनों घुटना में और नीचे पैर में थोड़ा थोड़ा मतलब खरोच आया है, और ये माथा में बहुत ज़्यादा लगा है, शायद बहुत ज़्यादा दुख रहा है, अब कैसे गिरी पता नहीं, बट इधर और इधर दुख रहा है। तो लोग ये उठाए, उसके बाद फिर थोड़ा पानी वानी पिलाया, नींबू पानी वगैरह पिलाया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुई। उसके बाद फिर घर आई, उसके बाद घर आई तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो गया था, आके मैं डायरेक्ट सो गई, बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था और अभी भी दुख रहा है। इसका दवा भी नहीं मतलब करवाने के लिए माथा के डॉक्टर के पास जाना था मेरे को, लेकिन पापा बोले कि दवा दे रहे उसको खा के देखो ठीक हो जाएगा, तो ठीक है वरना फिर जाना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुख रहा है ये, और अचानक से चक्कर टाइप का भी आता है, माथा में लगा है ना इसलिए, पीछे नहीं लगा है बस इधर और इधर, इधर ज़्यादा दुख रहा है बाकी इधर थोड़ा बहुत, और प्लस टाइफाइड का भी दवा चल रहा था, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और ये सब होके और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन सोची कि आज ब्लॉग बना देती हूँ। और अभी मैं दवा भी लेके आई हूँ, वो जो टाइफाइड वाला दवा था वो तो ख़त्म हो गया, और जो सुई वगैरह था वो सब ख़त्म हो गया टाइफाइड का, और आज लेके आई हूँ तीसरी दवा, ये सब माथा में जो लगा है चोट वो सब का है, और एक खांसी का है, पता नहीं कौन वाला दवा क्या का है, बस पापा बोल दिए थे तो वो दिए, ये वाला एक सीरप है मतलब खांसी बस ठीक नहीं हुआ, टाइफाइड ठीक हो गया शायद, क्योंकि जो जितना चलना था दवा उसका चल चुका, तो एक ये सीरप पापा बोल के दिलवाए हैं क्लिनिक से जाके, और एक ये सिरप ये वाला, कौन वाला माथा दर्द का है कौन वाला खांसी का है वो हमको नहीं पता है, बस दो टैबलेट है, एक ये वाला है और एक ये वाला टैबलेट ये वाला, तो इसको सुबह शाम खाना है, लेकिन मैं अभी से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टाइफाइड का दवा मैं सुबह ही मेरा ख़त्म हुआ है, तो अभी पापा बोले कि तो इसको मैं कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि दूसरा होता है ना कि ये कोई दवा चल रहा है तो फिर दूसरा दवा खाना नहीं चाहिए, तो इसलिए तो ये सब हो गया कारण मेरे साथ, तो इसलिए मैं ब्लॉग को मतलब पूरा नहीं बनाई थी, सोची कि पहले ठीक हो लेती हूँ अच्छे से उसके बाद बनाऊँगी, तो अभी ठीक ही लग रहा है, अभी मतलब पहले से ठीक हूँ, बस माथा में जो हमको जब पता नहीं चल पा रहा है माथा में मतलब चोट लगा है या क्या हुआ है वो सब पता नहीं चल पा रहा है, तो दुख रहा है बहुत, लेकिन अंदर से लगा होगा तो नहीं पता, बाहर से बस फूल गया है, और अंदर से लगा होगा तो उसी का दवा है, खाएंगे तो
तो ठीक होगा, ठीक ठीक नहीं होगा तो फिर माता के डॉक्टर पास दिखवा लेंगे, क्योंकि कोई रिस्क लेना मतलब लेने से कोई फायदा नहीं है फालतू में। और मेरी चूड़ी जो पहनी थी वो चूड़ी ही सारा टूट गया, एक हाथ का ये हाथ वाला टूटा था सारा, और मेरा कान का ये वाला पहन के गई थी मैं, ये वाला छोटा वाला झुमका, ये वाला देखिए ये सही है, ये भी टूट गया। मैं घर आके देखी ये सब, वहाँ पे तो कुछ समझ में, मतलब इसका नीचे वाला बस टूट गया ये वाला, और लगा भी है पैर वैर में थोड़ा बहुत, और हाथ में भी लगा, दिखाई मैं आप लोग को। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है हम लोग के साथ, एक्सीडेंट इनका भी वो टेम्पो से हो गया और फिर कल भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रहा है, प्लस टाइफाइड की वजह से क्या ही बोलूँ मैं आप लोग को। ऑलरेडी मेरा हालत ख़राब था, इतना दिन से दवा चल रहा था, कमजोरी था, प्लस कल फिर ये सब, और कमजोरी की वजह से भी हमको लगता है जैसे टच हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है पहले, मतलब कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी गिर रही हूँ तो एक होता है ना, तो मुझे याद रहता है कि मैं ऐसे गिरी वैसे गिरी, लेकिन उस टाइम जैसे मेरा पैर टच हुआ उसके बाद से मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मतलब कैसे गिरी क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं है, बहुत हालत ख़राब मेरा। अभी कुछ नहीं, अभी सब ठीक है, अभी बस दवा हुआ खाऊंगी फिर ठीक हो जाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस वजह से मैं, मेरा ब्लॉग भी बहुत दिन से नहीं आ पा रहा था, और यही सब रीज़न था कि ब्लॉग शुरू में तो टाइफाइड की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मन नहीं कर रहा था बनाने का, उसके बाद फिर कल ये सब हो गया तो इसलिए कल भी नहीं बना पाई। तो फिर मैं सोची कि साला मतलब पहले टाइफाइड की वजह से ब्लॉग रुका, अब फिर ये गिरने की वजह से रुकेगा, इससे इसलिए मैं सोची नहीं अब नहीं रुकूँगी, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो बना लेती हूँ ब्लॉग, और क्या ही बोलना है बस, तो बस मतलब थोड़ा बोलती हूँ खाती हूँ तो यहाँ पर थकता है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा नहीं लगा है, पता नहीं चल रहा है ना यहाँ पर, जैसे बाहर से तो नहीं कुछ है लेकिन अंदर से होगा, तो इसलिए फाइनली एडमिशन तो हो गया, लेकिन बहुत ही झंझट हो गया मेरा, बहुत कुछ इतना मतलब कभी मैं दवा नहीं खाती थी, कभी मेरा तबीयत ख़राब नहीं होता था, बहुत कम तबीयत ख़राब होता था मेरा, लेकिन मेरी लाइफ में पहली बार इतना दवा खाई, उसके बाद फिर से ख़त्म नहीं हुआ वो सब दवा, फिर से दवा आ गया, उफ़ बाप रे। कोई बात नहीं, ये सब थोड़ा बहुत कभी कभी होते रहता है, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ, तो बस आप लोग को सोचिए अपडेट दे देती हूँ कि क्यों मैं मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, और लेकिन अब से ब्लॉग आएगा, पीछे कुछ रीज़न था जो कि मैंने आप लोग को बताया, इसलिए नहीं आ रहा था। सो गाइस, तो चलिए आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं, बस यही सब आप लोग को बताना था, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत ही मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, सो बाय, टेक केयर, राधे राधे।